आज हम आपको लेकर चलेंगे भिलाई स्टील प्लांट के कोक ओवन प्लांट में, जहां पर कोयले को कोक में वास्तविकता में कैसे बदला जाता है उसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। भिलाई स्टील प्लांट में ऑस्ट्रेलिया से आयात किए गए कोयले के बिटुमिनस टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। कोयले में इतनी पर्याप्त मजबूती नहीं होती कि वो ब्लास्ट फर्नेस में मटेरियल बेड का वजन सहने योग्य हो, व इसमें मॉइस्चर, ऐश, वॉलेटाइल मैटर भी ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कोक में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस के बारे में हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया है, जिसे आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। हम जा रहे हैं कोक ओवन के बैटरी नंबर 11 में, जिसका कमीशनिंग 2014 में हुआ था, जो कि भिलाई स्टील प्लांट की न्यू कोक ओवन बैटरी है। प्रत्येक बैटरी में करीब 70 ओवन होते हैं। बैटरी नंबर 11 में कुल 67 ओवन है, या यूं कह लीजिए ये 67 ओवन को ही मिलाकर एक बैटरी कहा जाता है। ओवन में इनपुट कोल को डालने या चार्ज करने के लिए पहले कन्वेयर बेल्ट से कोल टावर में लाया जाता है, फिर कोल टावर से चार्जिंग कार में डाला जाता है, फिर इस चार्जिंग कार की मदद से कोल को ओवन के टॉप से चार्ज किया जाता है। ओवन करीब 17 मीटर गहरे होते हैं। कोल चार्ज करने के बाद एक लेवलर आर्म द्वारा इस मटेरियल को ओवन में लेवल किया जाता है। हर ओवन में करीब 27 टन कोल डाला जाता है, जिसे 16 से 18 घंटे एब्सेंस ऑफ एयर में 1250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करने के बाद हमें 22 टन कोक का आउटपुट मिलता है, और साथ ही में कोक ओवन गैसेस व अन्य बाय प्रोडक्ट को सीसीडी कोल एंड केमिकल डिपार्टमेंट में प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। एक ओवन में 32 बर्नर होते हैं, जो अल्टरनेट ऑपरेट होते हैं। इन बर्नर्स को जलाने के लिए मिक्स गैस का यूज किया जाता है। कोल कोक में तैयार हो जाता है, तब एक बड़ी सी पुशर कार में बैठे ऑपरेटर द्वारा बड़े से पुशर आर्म के द्वारा इस तैयार कोक को ओवन के दूसरी तरफ पुश करके बकेट कार में खाली किया जाता है। पुशर कार में बैठे ऑपरेटर को दूसरी तरफ बकेट कार के सटीक पोजीशन का पता एक गाइड कार द्वारा व दूसरे तरफ के ऑपरेटर से कम्युनिकेशन के माध्यम से पता चलता है। कोक के डिस्चार्ज कार में खाली हो जाने के बाद इस कोक में से नाइट्रोजन गैस पास करवाकर इनका क्वेंचिंग किया जाता है। क्वेंचिंग वो प्रोसेस होता है जिसके बाद यह कोक बहुत हार्ड हो जाते हैं और इनकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। कोक की क्वेंचिंग के लिए कोक बकेट को लिफ्टर की सहायता से एक चैम्बर के टॉप तक लिफ्ट किया जाता है और फिर इस कोक को उस चैम्बर में खाली कर दिया जाता है। इस चैम्बर के नीचे बड़े बड़े ब्लोअर फैंस के द्वारा नाइट्रोजन गैस कोक से पास करवाया जाता है। यह कोक पोरस होते हैं, इसलिए इनमें से नाइट्रोजन आसानी से पास हो जाती है और कोक ठंडा हो जाता है। फिर इस तैयार कोक को ब्लास्ट फर्नेस में भेज दिया जाता है। प्रोसेस से जुड़े कुछ सवाल आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।